चलिए आगे बढ़ेंगे। उस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएंगे जो उस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। बड़ी खबर क्या है, दरअसल आपको बता दें हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का दिल्ली दौरा और उस दौरे से जुड़ी बड़ी खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर। तो दिल्ली की तस्वीरें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज दिल्ली दौरे पर हैं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं सीएम मनोहर लाल और एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बिना किसी लाख लपेट के तस्वीरें दिल्ली से। आपको बता दें आंदोलन के चलते परेशानी पर भी चर्चा हो सकती है गृहमंत्री से। तो दिल्ली से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर हैं। कई मायनों में यह दौरा बेहद अहम क्योंकि सिंह बॉर्डर से तमाम लोगों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है और रास्ता खाली कराने को लेकर बातचीत की गई है। और भी कई अहम मुद्दे हो सकते हैं आज हरियाणा सरकार की ओर से। टीवी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर हैं और यह दौरा कई मायनों में बेहद अहम कहा जा रहा है। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल गृहमंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं। क्या कुछ खास रहेगा आज इस मुलाकात में, हम लगातार आपको बताते रहेंगे। लेकिन उससे पहले यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर और यह तस्वीरें सबसे पहले जनता टीवी आप तक पहुंचा रहा है। इलाहाबाद के चुनाव की वो चर्चा भी हुई है, जगह जगह जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उस पर भी सारी बातचीत में उनको बताई है। जैसे केवल रूलिंग पार्टी के लोगों का विरोध करना जिस प्रकार से चल रहा है वो भी सारा विषय उनके सामने रखा है। फिर भी शांतिपूर्वक आंदोलन वो लोग चलाएं ऐसे हमारी भी हमने भी की है। गृहमंत्री जी ने कहा कि यही अपील रखनी चाहिए कि आंदोलन शांतिपूर्वक करें, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन किसी प्रकार की गांडरुख स्थिति को बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। ये सरकार सर एक आखिरी सवाल, क्या एज अ सीएम आपको लगता है कि इस महीने इसका हल निकल जाएगा? मुझे लगता है कि 20 तारीख को जो सुनवाई होगी, क्योंकि मोटे तौर पर किसानों ने कहा है कि हमने कोई बाधा नहीं डाली है, हमने रास्ते बंद नहीं किए हैं, तो भले ही वो सरकार ने कोई उस समय का निर्णय लिया जैसी घटनाक्रम उस समय हुआ था, तो उस समय किसानों की ओर से अगर ये विश्वास दिलाया जाता है तो सरकारें तो तैयार हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार है चाहे हरियाणा सरकार है, हम रास्ता खोल देंगे। किसान तैयार होते हैं, सरकारें तैयार होती हैं, तो निश्चित रूप से रास्ता खुलेगा ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि वहाँ के लोगों की परेशानी काफ़ी है, जो खास करके वहाँ उद्योग लगा के बैठे हैं, वहाँ के आसपास के गाँव हैं, उन लोगों को जिनको डेली आना जाना होता है दिल्ली, तो बहुत परेशानी उनकी है। तो इसके साथ आज भी मुझे प्रतिनिधि मंडल मिलने के लिए आया था इस विषय को लेकर के, हम लोगों को सबको आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी रास्ता खुलेगा। सर तल्ख बहसे में कहा था कि आप प्रदर्शन करें लेकिन रास्ता रोकना, राष्ट्रीय राजमार्ग रोकना, ये कहीं भी संवैधानिक नहीं है, क्या इसी के चलते वो बैकफुट पे आए सर? अब क्योंकि उन्होंने तो कहा है कि हम रास्ता नहीं रोकेंगे, जब उन्होंने कहा है तो मैं ऐसे ही कहूँ कि इसके कारण से आए या किस कारण से आए, जब एक सहमति बन रही है तो इसमें हम आपस में एक दूसरे के खिलाफ क्यों कीचड़ उछालेंगे। रास्ता खोलने की सहमति बनती है, रास्ता खुलता तो सभी को विन विन पोजीशन है उसमें। गबन बनने को लेकर अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो डाला है हरियाणा का, उनकी जो दशा है उनको सुधारने की भी बात है, लोग परेशान ज्यादा है। क्योंकि जो छोटी सड़कें हैं खास करके जो PWD के रोड्स हैं, मार्केटिंग बोर्ड के हैं, वो इसलिए नहीं हैवी ट्रैफिक के लिए नहीं बनी थी, इतना हैवी ट्रैफिक लगातार चलने के बाद सड़कें टूटी हैं, कुछ वर्षा भी उसका कारण है। उसमें हमने सभी डिपार्टमेंट को कह दिया कि अगले एक महीने के अंदर सब सड़कें ठीक की जाएंगी। सर पराली को लेकर अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया, कहा हरियाणा में पराली जलाई जा रही है, प्रबंधन सही नहीं। कोई पराली नहीं जलाई जा रही है, बल्कि अब तो पराली बेचने के लिए होड़ लगी है। हमने 1000 रुपया एकड़ का इंसेंटिव दिया है और साथ में कंपनियां अब आ गई हैं जो पराली को खरीद रही हैं, वो बेल बना रहे हैं, बेल बनाने के बाद बीच में एग्रीगेटर वो बेल इकट्ठा करते हैं और कंपनियां उसको खरीद रही हैं, अच्छे रेट पर खरीदी जा रही है। उसमें हरियाणा की जो पराली है उसकी आमदन हो गई है किसानों को, इसलिए किसान कोई नहीं जला रहा। सर बातें सिंह बॉर्डर खुलना चाहिए जल्द से जल्द। थैंक यू।
सुचारू रूप से शुरू होगी उसको लेकर भी फीडबैक और उसको सुचारू रूप से चलाए रखने को लेकर भी कोई बातचीत हुई? कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसके कारण से बातचीत चलने की आवश्यकता थी। अब सामान्य तौर पर सभी मंडियों में धान की खरीद शुरू हो गई है, मिलर्स ने धान को उठाना शुरू कर दिया है और स्मूथ हो गया है, अब किसी प्रकार की कोई कठिनाई। शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आपने सुना, उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की, पत्रकारों से स्पष्ट तौर पर यह कहना था कि सिंघू बॉर्डर से एक डेलीगेशन उनके पास मिलने पहुंचा जिसने रास्ता खोलने को लेकर बातचीत की। इसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी यह पूरा मामला लंबित है, बहुत जल्द इन तमाम मांगों को माना जाएगा और इन पर कार्रवाई की जाएगी, तो जल्द ही सुप्रीम कोर्ट समाधान देगा इस पूरे मामले पर। यह बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कही है। साथ ही पराली प्रबंधन को लेकर यह कहा कि प्रदेश के अंदर वो तमाम तैयारियां कर ली गई हैं ताकि पराली को जलाने से रोका जा सके और किसानों को पराली के मार्फत फायदा पहुंचाया जा सके। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर हैं, आंदोलन से परेशानी को लेकर चर्चा आज गृहमंत्री अमित शाह से हो सकती है। इस चर्चा को लेकर एक एक खबर, एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन बड़ी खबर इस बीच यही, मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज दिल्ली दौरे पर हैं और कई मायनों में इनका यह दौरा बेहद अहम। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल गृहमंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं, किन किन मुद्दों पर बातचीत की होगी इसको लेकर कुछ टूटे टूटे शब्दों में जिक्र जरूर किया मनोहर लाल ने। उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि आंदोलन और आंदोलन के चलते बंद रास्तों को लेकर एक डेलीगेशन उनसे मिलने पहुंचा, जिस डेलीगेशन ने यह अपील की कि रास्तों को खाली करवाया जाए, उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। चलिए अपने सहयोगी स्पर्श शर्मा के पास चलना चाहेंगे मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर। स्पर्श, मैं चाहूंगा विस्तार से आप बताएं मुख्यमंत्री का यह दौरा कितना अहम है और इस दौरे के दौरान क्या कुछ बातचीत हो सकती है गृहमंत्री अमित शाह से। किस तरीके से मुख्यमंत्री ने आप बाइट जो है दी है, तो उसके बाद आज जो मुख्यमंत्री है वो आज जो है बाहर आए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसानों का प्रतिनिधि मंडल मेरे से मिला था और हम लगातार एक साइड का रास्ता जो खुलवाने की कोशिश है वो कर रहे हैं, और आज हमने देखा कि किस तरीके से जो प्रतिनिधि मंडल है वो आज जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल से जो है मिलता हुआ नजर आया, और उसके बाद जो बैठक है वो जो है गृहमंत्री अमित शाह के साथ की जाती है। ऐसे में किसानों के मुद्दे पर जो है सबसे अहम चर्चा जो है वो आज जो है गृहमंत्री अमित शाह के साथ जो है की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो अहमदाबाद उपचुनाव के संबंध में भी जो चर्चा है वो आज जो है गृहमंत्री अमित शाह के साथ हुई है, तो लेकिन खास तौर पर चर्चा की बात करें तो केंद्रीय गृहमंत्री जो है उनसे जो है चर्चा फिलहाल जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की है उनके साथ होती हुई नजर आई है। स्पर्श, पराली को लेकर भी सवाल पूछा गया मुख्यमंत्री से, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और ये कहा कि हरियाणा में अभी भी पराली जलाई जा रही है, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने क्या प्रतिक्रिया दी, मैं चाहूंगा विस्तार से आप बताएं। देखिए बिल्कुल कुछ ऐसी वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें ये दिख रहा था कि हरियाणा में जो है पराली जलाई जा रही है, तो उसके जो है ऊपर हरियाणा के जो मुख्यमंत्री दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने साफ तौर पर जाना साधा कि हरियाणा में स्टबल जो है बर्निंग हो रही है और दिल्ली सरकार की तर्ज पर जो जैविक घोल बनाया गया है दिल्ली सरकार ने वो जो है हरियाणा के तमाम किसानों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि जो पराली है उसका खेत में जो है निष्पादन जो है कहीं ना कहीं हो सके। लेकिन जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल से ये बातचीत जो है की गई कि पराली को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल निशाना साध रहे हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसी कोई घटना जो है हरियाणा में नहीं हो रही है, बल्कि पराली बेचने के लिए जो किसान है वो कहीं ना कहीं जो है आतुर नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में ये जो सर्दियों का मौसम जब शुरू होता है, दिल्ली में जब पॉल्यूशन धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आता है, तो ये जो वॉर है दिल्ली सरकार वर्सेज हरियाणा सरकार जो पराली को लेकर खासतौर पर प्रदूषण को लेकर वो जो है धीरे धीरे शुरू होती हुई नजर आती है। लेकिन आज जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने हरियाणा पर यह आरोप लगाया कि पराली वहां पर चल रही है, हरियाणा सरकार किसानों की मदद नहीं कर रही है, तो उस पर जो है स्पष्टीकरण हरियाणा के मुख्यमंत्री का है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हरियाणा में पराली जलने की जो घटना है वो नहीं हो रही है। स्पर्श, आज और किस किस से मुलाकात कर सकते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल, किन किन विषयों पर और बातचीत हो सकती है?
देखिए वैभव, अभी तक एक ही मुलाकात की जानकारी थी कि अमित शाह से जो है उन्होंने समय मांगा था और वो आज जो है अमित शाह से मुलाकात हो गई है। अभी तक जो है अन्य किसी केंद्रीय मंत्रियों से जो है मुलाकात के लिए जो है समय नहीं मांगा गया, लेकिन निश्चित तौर पर दिल्ली दौरे पर आते हैं तो कई केंद्रीय मंत्री और पार्टी आलाकमान से मुलाकात होती है, जिसमें अगर पार्टी आलाकमान से मुलाकात होगी तो निश्चित तौर पर एलनाबाद में किस तरह की रणनीति के साथ जो उतरा सा सकता है उसको लेकर जो है चर्चा कहीं ना कहीं होती भी नजर आएगी। और आपसे मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि एक डेलीगेशन जो मिला है मुख्यमंत्री मनोहर लाल से, उसने मांग की है कि बंद रास्तों को खाली करवाया जाए और तमाम ऐसी सड़कें हैं बंद रास्तों के चलते, जो छोटे राजमार्ग हैं वो पूरी तरह से टूट चुके हैं, निस्तनाबूत होने की कगार पर खड़े हैं। इन रास्तों के नवीनीकरण को लेकर मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, रास्ता खाली कराने को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है। स्पर्श, स्पर्श हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए हम लगातार आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सहयोगी स्पर्श, जिन्होंने तमाम जरूरी अपडेट्स दिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दिल्ली दौरे से जुड़े, तो आंदोलन से परेशानी पर भी चर्चा हुई है। आपको बता दें गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है, सिंह बॉर्डर के लोगों ने अमित शाह से, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की और यह ज्ञापन सौंपा। बंद रास्तों को खुलवाने की मांग की गई है इस डेलीगेशन के द्वारा। दरअसल मुख्यमंत्री ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और बहुत जल्द इस पूरे प्रकरण पर समाधान की उम्मीद है।